नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। मन्ना डे वो नायाब हीरा जिन्होंने इंडियन सिनेमा में संगीत का एक नया अध्याय जोड़ा था। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए मन्ना दा। जिंदगी कैसी है पहली हाय और ये रात भीगी भीगी जैसे एवरग्रीन गानों को मन्ना दा ने ही अपनी आवाज दी है। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के बावजूद जहां उनकी गायकी को कुछ लोगों ने नकारा, तो वही टाइपकास्ट होने पर ये कभी ए लिस्टर सिंगर नहीं बन सके। करियर का एक बुरा दौर ऐसा भी रहा जब इन्हें गाने नहीं मिला करते थे। कभी इन्हें राज कपूर की सिफारिश पर गाने मिले, तो वहीं कामयाबी से भरा एक दौर ऐसा भी आया कि किशोर कुमार जैसे आला सिंगर को इनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। 5 दशक के करियर में मन्ना डे ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन संगीत की दुनिया में आज भी मन्ना डे से मजा हुआ कलाकार कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्ना डे के अनसुने संघर्षों और किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। किस्सा नंबर 1। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। मन्ना तो उनके चाचा प्यार से कहा करते थे। बचपन से ही मन्ना डे माँ बाप से ज्यादा अपने चाचा संगीताचार्य कृष्ण चंद्र डे से प्रेरित रहते थे। उनके चाचा शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे और इसी वजह से मन्ना डे का भी झुकाव संगीत की तरफ बचपन से ही था। मन्ना डे के पिताजी का सपना था कि वो वकील बने, क्योंकि घर में डॉक्टर भी थे और इंजीनियर भी। पर इधर मन्ना डे पहले से ही संगीत में पूरी तरह से रम चुके थे। कॉलेज के दिनों से ही मन्ना डे अपने दोस्तों के साथ क्लास के पीछे के बेंच पर बैठ जाते थे, फिर बेंच पर खूब ताल देकर गाना गाते थे। इस बारे में जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चला तो डांटने के बजाय उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया। मन्ना डे के कोलकाता घर पर संगीत के सारे महारथी आते थे। उनके चाचा उन्हें बुलाया करते थे, रात रात भर गाना बजाना हुआ करता था। उसी कमरे में उस्ताद साहब आते थे। यही वजह है कि बचपन से ही मन्ना डे को संगीत से लगाव था। किस्सा नंबर 2। मन्ना डे ने अपने चाचा और उस्ताद दबीर खान से संगीत की शिक्षा ली थी। 1942 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्ना डे अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए। संगीत की अच्छी समझ होने के कारण उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया। गायक के तौर पर मन्ना डे का सबसे बड़ा ब्रेक 1942 में रिलीज हुई फिल्म तमन्ना से मिला। इस फिल्म के गाने को मन्ना डे ने सुरैया के साथ मिलकर गाया था। इसकी भी एक अपनी एक दिलचस्प कहानी है जो फिर कभी सुनाऊंगा। गाने के बोल थे, जागो आई उषा पोंची बोले जागो। ये गाना उस समय का बड़ा हिट रहा। इसके बाद तो मन्ना डे के संगीत की गाड़ी चल पड़ी थी। 1943 में फिल्म राम राजे रिलीज हुई थी, जिसमें मन्ना डे ने बतौर सोलो सिंगर एक गाने को अपनी आवाज दी थी। दिलचस्प बात यह है कि राम राजे एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने देखा था। किस्सा नंबर 3। मन्ना डे को गायकी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। संगीत उनके लिए श्रद्धा थी। यही वजह है कि जब भी किसी फिल्म निर्माता को फिल्म में शास्त्रीय संगीत गवाना होता तो वो सिर्फ मन्ना डे को ही अप्रोच करते। लेकिन हमेशा ही ये बात चर्चा का विषय रही कि इतने शानदार गायकी के बाद भी मन्ना डे कभी ए लिस्टर सिंगर नहीं बन सके। दौर ऐसा भी था कि रफी, किशोर और मुकेश जैसे लेजेंडरी सिंगर की भी पहली पसंद मन्ना डे ही थे। इतना ही नहीं, रफी साहब ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया मेरे गाने को सुनती है और मुझे बस सुकून मन्ना डे के ही गाने से मिलता है। कठिन से कठिन गीत को मन्ना डे इतनी सहजता से गाते थे कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हो। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के कारण ही मन्ना डे भी टाइपकास्ट का शिकार हुए और उनकी गायकी भी शास्त्रीय संगीत तक सिमट कर रह गई। इसी वजह से हल्के फुल्के गानों के लिए उन्हें कंसीडर करना बंद ही कर दिया गया, जबकि उनका गाया ऐ भाई जरा देख के चलो जैसा गाना बम्पर हिट भी रहा। मन्ना डे सिर्फ टाइपकास्ट का ही शिकार नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा भी दौर था जब उनकी गायकी का भी अपमान किया गया। किस्सा फिल्म चोरी चोरी के गीत ये रात भीगी भीगी का है।
इस गीत के लिए फिल्म निर्माता एवी मैयप्पन चेट्टियार लता के साथ मुकेश की आवाज़ चाहते थे। वो ख़ास तौर पर इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मद्रास से मुंबई आए थे, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी इस गीत को लता के साथ मन्ना डे से गवाना चाहती थी, इसलिए रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश को न पाकर निर्माता मैयप्पन तुरंत शंकर के पास गए और पूछा कि मुकेश कहाँ है। शंकर ने कहा कि इस गाने के लिए मन्ना डे परफेक्ट हैं, लेकिन वह नहीं माने। तब राज कपूर ने निर्माता को समझाया और कहा कि यह गाना मन्ना ही रिकॉर्ड करेंगे। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर मैयप्पन के मुंह से यह निकल पड़ा कि उन्हें गर्व होगा अगर यह गाना उनकी फिल्म से जुड़ेगा। किस्सा नंबर 4। बात है उस दौर की जब फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई थी। 1968 की इस फिल्म का एक गाना चतुरनार बहुत फेमस हुआ था। इस गाने को आवाज दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद ने। शुरुआत में इस गाने के लिए मन्ना डे ने मना कर दिया था। वजह थी कि गाना किशोर कुमार और महमूद पर फिल्माया गया था, साथ ही इस गाने के बीच बीच में कुछ मजाकिया अंदाज वाले शब्द डाले गए थे जिसे गाने के बीच में कहना था। जब ये बात मन्ना डे को बताई गई तो वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए और इधर किशोर कुमार मजाकिया अंदाज वाले शब्द के लिए राजी हो गए थे। मन्ना डे का कहना था कि वह संगीत के साथ मजाक नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी बात मान ली गई और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गाने की शुरुआत में तो सब कुछ मन्ना डे के मुताबिक ही हुआ, लेकिन जब बाद में किशोर कुमार ने मजाकिया अंदाज वाला गाना शुरू किया तो मन्ना डे चुप हो गए। उन्होंने पूछा ये कौन सा राग है। इस पर महमूद ने उन्हें समझाया कि फिल्म में सीन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए किशोर दा ने इस तरीके से गाना गाया है। मन्ना डे फिर भी राजी नहीं हुए और उन्होंने किसी तरह अपने हिस्से का गाना गाया, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें पसंद नहीं थे। इस गीत के बीच बीच में कई तरह के मजाकिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो गाने में फिल्माया गया है। इन शब्दों में ये गड़बड़ जी, ये सुर बदला, ये हमको मटका बोला, ये सुर किधर है जी जैसे शब्द थे, लेकिन मन्ना डे के इन शब्दों का इस्तेमाल करने से मना करने के बाद महमूद ने इन शब्दों को अपनी आवाज में डब किया और इस तरह यह गाना पूरा तैयार हुआ। वर्षों तक फिल्मी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चाएं रही कि इस गाने में किशोर के हाथों मिली हार से मन्ना डे लंबे समय तक दुखी रहे, लेकिन एक इंटरव्यू में यह बात क्लियर हो गई कि कैसे किशोर कुमार ने मन्ना डे को हराया था। किस्सा ये है कि जब आर डी वर्मन किशोर कुमार को इस गाने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा था कि मन्ना दा को मैं शास्त्रीय गाने में कैसे हरा पाऊंगा। इस पर पंचम दा ने मन्ना डे से बात की और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मन्ना डे अपने शास्त्रीय पक्ष को टोन डाउन करके गाएंगे और गाने के अंत में उनकी हार होगी। तो इस तरह जीते किशोर कुमार। किस्सा नंबर 5। एक बार पंडित भीमसेन जोशी के साथ मन्ना डे को गाने का मौका मिला। उनका नाम सुनते ही वो इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने पंडित भीमसेन के साथ गाने से मना कर दिया। दरअसल जो गाना उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाना था उसमें मन्ना डे को उन्हें हराना था। ये बात पता चलते ही उन्होंने गाने से साफ मना कर दिया। जब वो उस रात घर आए और पत्नी को बताया कि उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाने का मौका मिला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इस बात पर उनकी पत्नी बहुत ही हैरान हो गई और कही कि आप इतना बड़ा मौका कैसे खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित भीमसेन जैसे महारथी के साथ मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आप भी शास्त्रीय संगीत में उम्दा हैं और उनके साथ गा सकते हैं। साथ ही इस गाने के लिए शंकर जयकिशन ने भी बहुत समझाया, जिसके बाद मन्ना डे गाने के लिए मान गए। अगले दिन जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो पंडित भीमसेन को देखते ही वो थरथर कांपने लगे। आखिरकार किसी तरह गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और पंडित भीमसेन ने तारीफ करते हुए कहा कि अरे भाई, फिल्म में ही हराना है, असल में नहीं, तुम तो कॉम्पिटिटर बन गए। किस्सा नंबर 6। जिंदगी कैसी है पहली हाय। इस गाने को मन्ना दा ने ही अपनी आवाज दी थी। आनंद फिल्म का ये गाना पहले तो फिल्म के बैकग्राउंड में बजने वाला था, लेकिन जब इस गाने को सुपरस्टार राजेश खन्ना ने सुना तो वो इसे सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए
इसके बाद राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर से कहा कि इस गाने का उन पर पिक्चराइज किया जाए, ना कि बैकग्राउंड में। प्रोड्यूसर ने उनकी ये बात मान ली और बाद में ये गाना उन्हीं पर शूट हुआ। इधर मन्ना डे भी राजेश खन्ना के एक्टिंग के दीवाने थे। वो कहते थे कि जब राजेश खन्ना मेरे गाने की लिपसिंग करते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो वो खुद ही गा रहे हो। आनंद फिल्म ने मन्ना डे के साथ साथ राजेश खन्ना को भी करियर में नई ऊंचाई दी थी। किस्सा नंबर 7, वायलिन वादक दुर्बादल चटर्जी मन्ना डे के बारे में एक मशहूर किस्सा बताते हैं। एक बार हम उनके पुराने घर में बैठे थे, वह हारमोनियम लेकर गा रहे थे और मैं उनके सुरों को लिखता जा रहा था। अचानक एक लड़की दरवाजा खोलकर अंदर आई। मन्ना डे ने बिल्कुल रुखाई और सख्ती से कहा कि वह व्यस्त है और उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन वह लड़की थोड़ी देर बाद फिर वही नजर आई। इस बार लड़की ने आग्रह से पूछा कि क्या मन्ना डे का घर यही है। मन्ना डे ने दो टूक शब्दों में पूछा कि वह क्यों आई है। वह उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, एक बार उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी। यह सुनकर मन्ना डे नर्म पड़ गए और उस लड़की को अंदर आने दिया। वह बेहद शालीन थे। मन्ना डे जितना सख्त दिखते थे उतने ही अंदर से नर्म दिल के इंसान थे। हाँ, ये बात सही है कि वो अनजान लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। किस्सा नंबर 8, किस्सा है नवाबों के शहर लखनऊ का। शहर के चारबाग स्टेशन पर एक संगीत समारोह का आयोजन होना था जिसमें मन्ना डे टुनटुन जैसी हस्तियां शामिल होने वाली थी। इस शो के जमकर टिकट भी बिके थे। जब एक तरफ वक्त आया आयोजन शुरू होने का तो वहीं दूसरी तरफ आयोजक ही रफू चक्कर हो गए। जब ये बात लोगों को पता चली तो वो इस बात से बहुत नाराज हो गए और मन्ना डे पर शिकायत दर्ज करा दी। साथ ही उन्हें जेल भेजे जाने की डिमांड की गई। हालांकि कुछ समय बाद वो भागे हुए कार्यकर्ता पकड़े गए और मन्ना डे को राहत मिली। सिंगिंग करियर में मन्ना डे ने कई भाषाओं में बेमिसाल गाने गाए हैं, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली थी। साल 1991 में आई फिल्म प्रहार के गाने हमारी मुट्ठी में गाने को उन्होंने अंतिम बार अपनी आवाज दी थी। 5 दशक में उन्होंने करीब 4000 गाने गाए। मन्ना डे ऐसे शख्सियत थे जो खुद एक पुरस्कार थे, लेकिन उन्हें संगीत में दिए अभूतपूर्व योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म विभूषण के अलावा भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित पुरस्कार 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 8 जून 2013 को चेस्ट इन्फेक्शन के कारण मन्ना डे को बेंगलुरु के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ और लगभग 1 महीने बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अक्टूबर 2013 के पहले सप्ताह में उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और 24 अक्टूबर को 94 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। मुझे तो उनका गाया गाना ए मेरी जोहरा जबी और लागा चुंदरी में दाग छुपाओ कैसे बेहद पसंद है, या यूं कहूँ तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आपको मन्ना डे का कौन सा गाना बहुत पसंद है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।